नमस्कार, मैं कमल श्रीमाली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको कई बार बतलाया है कि रत्न अमृत भी है और जहर भी है, और पिछले कई दिनों से हम निरंतर इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक लग्न के लिए कौन सा रत्न महत्वपूर्ण होता है। आइए आज हम बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न के व्यक्तियों को कौन सा रत्न पहनना शुभ रहेगा? तो धनु लग्न के व्यक्ति, लग्न का अधिपति ग्रह बृहस्पति है, तो साथ ही साथ चतुर्थ भाव का अधिपति भी ग्रह बृहस्पति है। तो पुखराज रत्न धारण करने से आपके धन, यश, मान सम्मान में तो वृद्धि होगी होगी, जो जीवन में उपयोगी वस्तुएं, जो घर गृहस्थी की सुख सुविधाएं, उसमें भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं पंचम स्थान की। तो पंचम स्थान का अधिपति ग्रह मंगल है, तो आपकी कुंडली में द्वादश भाव का अधिपति ग्रह भी मंगल है। लेकिन मंगल यहाँ पे मेष राशि का, अर्थात मूल त्रिकोण राशि मेष है, उसका फल करेगा। तो पंचम स्थान मंत्रणा शक्ति का है, पंचम स्थान बुद्धि का है, पंचम स्थान संतान का भी है। तो मंगल रत्न धारण करने से, मूंगा रत्न धारण करने से आपके विद्याधन में, बुद्धि में, पौरुष में, ताकत में और साहस में बल मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जो कुछ भी आपके शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे, आपसे दबे हुए रहेंगे। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य का अधिपति ग्रह सूर्य है, माणिक्य। माणिक्य सूर्य पिता का कारक है, और माणिक्य रत्न पहनने से पिता की आयु में वृद्धि हो सकती है, पिता के सुख में वृद्धि होगी, पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, राज्य की अनुकूलता प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य राज्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न का अधिपति ग्रह शनि है, शनि का रत्न नीलम है। शनि आपकी जन्म कुंडली में दो भावों को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, वह है लग्न और सेकंड स्थान धन स्थान। तो नीलम पहनने से जहां आपके आयु में, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और वहीं धन की वृद्धि भी होगी। अब बात करते हैं पंचम स्थान की। पंचम स्थान का अधिपति ग्रह शुक्र है, तो आपके कैरियर का, आपके कर्म का अधिपति ग्रह भी शुक्र है। सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति, राजयोग कारक स्थिति इस कुंडली में, आपके लग्न में शुक्र की है। हीरा पहनने से या जरकन पहनने से आपको मान सम्मान की अधिकता तो मिलेगी मिलेगी, संतान का सुख आपको मिलेगा। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य का अधिपति ग्रह बुध है, तो आपकी कुंडली के अंदर सिक्स्थ हाउस रोग का, कर्ज का और कंपटीशन का, मामा का, इन सभी का सुख सिक्स्थ हाउस से मिलता है। तो बुध का रत्न पन्ना पहनने से आपके धर्म में अभिरुचि बढ़ेगी, आपको भाग्य का सुख मिलेगा, राज्य से आपको कृपा प्राप्त होगी, राज्य के अधिकारी यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो राज्य कर्मचारियों की अनुकूलता आपको प्राप्त होगी, अर्थात आपके अनुसार काम होगा, आपका इजीली काम होगा। आइए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न का अधिपति ग्रह शनि है, तो आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव का अधिपति ग्रह भी शनि है और शनि का रत्न नीलम है। मूल त्रिकोण राशि शनि की आपके लग्न में है, अर्थात लग्न का ही फल अधिक करेगा। तो नीलम पहनने से जहां आपके आयु में, जहां आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, वहीं खर्च कम रहेगा। आपके शत्रु हैं या आपको विवादास्पद स्थिति का सामना कम करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी में आपकी विजय होगी, पांव में मजबूती आएगी, स्नायु तंत्र मजबूत होगा, आपके संतान का भाग्य मजबूत होगा नीलम पहनने से। अब बात करते हैं पंचम स्थान का। पंचम स्थान का अधिपति ग्रह बुध है, तो साथ ही साथ अष्टम स्थान का अधिपति भी आपकी कुंडली में बुध है। बुध अचानक लाभ देता है। जब आप बुध का रत्न पन्ना पहनेंगे तब आपके संतान के सुख में आपको विद्या, अध्ययन, बुद्धि, विवेक, इन सब का फायदा तो होगा ही होगा, रिसर्च के कार्यों में भी आपकी प्रखरता सामने आएगी। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य का अधिपति ग्रह और साथ में सुख स्थान का अधिपति ग्रह भी शुक्र है। राजयोग कारक ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र है, भाग्य का फल देगा, तो साथ ही साथ चतुर्थ भाव का भी फल देगा। चतुर्थ भाव वाहन का भी है, शुक्र आपको उच्च कोटि का वाहन दे सकता है, बहुत ही अच्छा। यदि आपके दिमाग में है कि मुझे बहुत अच्छी मोटर गाड़ी लेनी, बहुत अच्छी कार लेनी, होंडा सिटी लेनी है, मर्सिडीज बेंज लेनी है, यदि आपकी ऐसी अभिलाषा है तो आपको हीरा पहनना शुभ है। और यदि वाहन बहुत अच्छा आने का योग है तो बट नेचुरल आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तभी तो आप वाहन लेंगे, वरना वाहन साइकिल भी है, वाहन स्कूटर भी है, वाहन मोपेड भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं वाहन शुक्र लग्जरी देता है, शुक्र विलासिता देता है, विलासिता की वस्तुएं आपको मिल सकती है। कुंभ लग्न के व्यक्तियों को नीलम, पन्ना और हीरा तीनों पहनना शुभ फलदायक है। आइए अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न का अधिपति ग्रह बृहस्पति है, तो साथ ही साथ आपके कैरियर लॉर्ड भी, अर्थात दशम स्थान का अधिपति ग्रह भी बृहस्पति है। दो केंद्र का अधिपति होने से बृहस्पति यहाँ बलवान है। बृहस्पति का रत्न
अर्थात पुखराज, और पुखराज धारण करने से जहाँ आप संतान सुख की वृद्धि करेंगे अर्थात संतान का सुख आपको अधिक मिलेगा, वहाँ संतान के भाग्य में भी, संतान के धन में भी वृद्धि होगी, आपको आयु की वृद्धि तो होगी होगी, स्वास्थ्य का सुख भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ बृहस्पति धन का, ग्रस्त सुख का, संतान का और बुद्धि विवेक का सुख अधिक देता है। तो बृहस्पति पुखराज पहनने से आपके कैरियर में अर्थात जो आप काम करते हैं उसका वृद्धि अधिक मिलेगी, अर्थात आपके कार्यों में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी, राज्य की अनुकूलता प्राप्त होगी, तो साथ ही साथ संतान सुख में भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं पंचम स्थान की। पंचम स्थान का अधिपति ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा का रत्न मोती है। मोती रत्न धारण करने से जहाँ माता के नेत्रों का सुख बढ़ेगा, अर्थात यदि उनको नेत्रों का रोग है तो वह भी ठीक होगा और पिता की स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपको भी मन की शांति प्राप्त होगी, सुख महसूस होगा, माता के सुख में वृद्धि होगी। तो साथ ही साथ पंचम स्थान वाणी का भी है, पंचम स्थान बुद्धि का भी है, पंचम स्थान विवेक का भी है, संतान का भी है, इन सभी के सुख में वृद्धि होगी, आपको मन की शांति, मानसिक शांति मिलेगी। बात करते हैं भाग्य की। भाग्य का अधिपति ग्रह मंगल है, तो साथ ही साथ धन का भी अधिपति ग्रह मंगल है। मीन लग्न वालों को मूंगा रत्न पहनने से स्मूथनेस महसूस होगी, जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलने के योग अधिक होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, राज्य अधिकारियों की अनुकूलता प्राप्त होगी, सत्ता प्राप्ति हो सकती है, राज्य से सुख और मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो साथ ही साथ सेकंड हाउस धन है, धन में वृद्धि होगी। द्वितीय स्थान कुटुंब का है, कुटुंब का सुख मिलेगा। द्वितीय स्थान आपके नेत्रों का भी, आपका बुद्धि का भी है, आपके विवेक का भी है, उसका सुख भी प्राप्त होगा। मीन लगने वाले व्यक्तियों को पुखराज, मोती और मूंगा तीनों धारण करना शुभ फलदायक है, और तीनों को एक ही पेंडल में यदि पहन लेते हैं तो वह भाग्यवती लॉकेट का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा लॉकेट पहनना आपके लिए सदैव शुभ फलदायक है। तो दर्शकों, आपने देखा है कि लग्न के अनुसार कौन सा रत्न आपको शुभ फल देगा। हमने आपको बतलाने का प्रयास पर किया है कि आपके लिए कौन सा रत्न शुभ फलदायक है, और उसके अलावा जो भी रत्न है वे अशुभ फलदायक है, इसलिए अशुभता को नहीं पहनना है। हमारा यह प्रयास कितना सफल रहा यह आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार।